मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ बहुत ही नायाब है कि मियाँ बीवी में इत्तफाक पैदा करने का, कि अगर आपस में मियाँ बीवी झगड़ते हों या लड़ते हों तो उनके अंदर इत्तफाक ना हो, तो उस इत्तफाक को पैदा करने का, नाराजगी को खत्म करने का। और अगर कोई ऐसा मसला है कि मुखालिफ, जैसे होता है कि मियाँ बीवी की फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो शोहर होता है उसकी फैमिली मेंबर्स उनसे हैं तंग करते हैं या घर वाले तंग करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही नायाब ये वजीफा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से जितनी भी किसी के दिलों में रंजिश है या कोई ऐसी परेशानी है या तकलीफ पहुंचाते हैं, तो अल्लाह पाक उस चीज से उनको बाज रखेंगे। और आपके जो शोहर हैं या आप अपने किसी ऐसे चाहने वाले के लिए करते हैं जो आप मतलब कि आपको परेशान करता है, दुख देता है या तकलीफ देता है, या हर वक्त आपको जो है किसी न किसी बात पर खींचने की कोशिश करता रहता है, तो इस नायाब वजीफे से आप ये मसला अपना हल कर सकते हैं। इस वजीफे में आपने पढ़ना किया है सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा आप ये या हन्नान या हलीम, या हन्नान या हलीम, दोनों लफ्ज़ जो है अल्लाह के नाम है, तो दोनों आप पढ़ेंगे तो सिर्फ 100 मरतबा पढ़ेंगे इशा की नमाज के बाद। और अगर औरत नाराज हो जाए, जैसे मियाँ बीवी में दोनों रिश्ते होते हैं, अगर औरत मर्द नाराज हो तो औरत करे, अगर औरत नाराज हो तो फिर यही अमल मर्द करे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी होती है। और अगर किसी और मसले के लिए अगर आपने करना है तो पहले आप इजाजत लें ताकि हमें पता हो, ताकि शरीयत के खिलाफ कोई काम ऐसा ना कर सके आप, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपका कोई अजीज व कारीब इस मसले में है और शरीयत का लिहाज रखते हुए अगर आप उसको मनाना चाहते हैं या उसके दिल से रंजिश या परेशानी खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि ये वाला वजीफा लाजिम करें, तो इंशाल्लाह ये तमाम मसला जो है आपका हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करती हूँ कि आप कम अज कम मेरी जितनी भी वजायफ उनको सुनकर आपकी जिंदगी में कुछ सुकून और कुछ कामयाबी भी आपको जरूर मिली होगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।